नमस्कार, मैं शामिन गार्नर, स्वागत है आपका समय भारत 24x7 में। आज लोहड़ी के पावन अवसर पर जानते हैं क्यों मनाया जाता है ये पर्व और क्या है इसके पीछे की कहानी हमारी इस खास रिपोर्ट में। लोहड़ी का त्यौहार मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मनाया जाता है। लोहड़ी मकर संक्रांति के एक दिन पहले आती है। लोहड़ी के दिन लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लोहड़ी का पर्व पारंपरिक तौर पर फसल की कटाई और नई फसल की बुआई से जुड़ा हुआ है। लोहड़ी का त्यौहार किसानों का नया साल भी कहा जाता है। लोहड़ी को सर्दियों के जाने और बसंत के आने का संकेत भी माना जाता है। कई जगहों पर लोहड़ी को तिलोहड़ी भी कहा जाता है। साथ ही यह त्यौहार परिवार में आने वाले नए मेहमान जैसे नई बहू, बच्चा या फिर हर साल होने वाली फसल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। लोहड़ी की शाम को सभी लोग अलाव जलाते हैं और उसमें मूंगफली व रबड़ी डालते हुए चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा लोहड़ी की शाम को लोग गिद्दा और भांगड़ा करते हैं वे लोहड़ी के गीत गाते हैं। गायन और नृत्य उत्सव का एक आंतरिक हिस्सा है। लोग अपने चमकीले कपड़े पहनते हैं और ढोल की थाप पर भांगड़ा और गिद्दा नृत्य करते हैं, पंजाबी गाने गाते हैं और सभी आनंदित होते हैं। सरसों का साग और मक्के की रोटी आम तौर पर लोहड़ी के खाने में परोसी जाती है। त्यौहार एक महान अवसर है जो किसानों के लिए बहुत महत्व रखता है। हालांकि शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग भी लोहड़ी मनाते हैं क्योंकि यह त्यौहार परिवार और दोस्तों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है। गुड़, गज्जक और रेवड़ी, मूंगफली, पॉपकॉर्न और तिल आग में डालकर और उसके बाद एक दूसरे में बांटने की भी परंपरा है। पंजाब में नई फसल से भुने हुए मक्की के ढेर खाकर त्योहार को चिन्हित किया जाता है। इस दिन रबी की फसल को आग में समर्पित कर सूर्य देव और अग्नि का आभार प्रकट किया जाता है। आज के दिन किसान फसल की उन्नति की कामना करते हैं। इसी के साथ ही इस दिन आग के पास घेरा बनाकर धूला बट्टी की कहानी सुनाई जाती है। लोहड़ी पर धूला बट्टी की कहानी सुनने का एक खास महत्व है। लोहड़ी के दिन धूला बट्टी की कहानी खास तौर पर सुनाई जाती है। पंजाब में धूला बट्टी से जुड़ी एक काफी प्रचलित लोक कथा है। कहते हैं मुगल शासन के दौरान जब बादशाह अकबर का राज था उस वक्त पंजाब में धूला बट्टी नाम का एक युवक रहता था। एक बार धूला बट्टी ने देखा कि कुछ अमीर व्यापारी सामान के बदले में इलाके की लड़कियों का सौदा कर रहे थे। इस पर धूला बट्टी ने वहां पहुंचकर न सिर्फ लड़कियों को उन अमीर व्यापारियों के चंगुल से आजाद कराया बल्कि बाद में उनकी शादी भी करवाई थी। इस घटना के बाद से धूला को भट्टी के नायक की उपाधि से नवाजा गया था। इन्हीं धूला भट्टी की याद में लोहड़ी के दिन कहानी सुनाने की परंपरा चलती आ रही है। आप सभी को समय भारत 24x7 की तरफ से लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24x7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।